पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विजयपुर उपचुनाव के लिए खास प्लान तैयार कर लिया है। जहां जीतू पटवारी ने विजयपुर में एक डेरा डालने की तैयारी कर ली है, वहीं से लेकर अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। जीतू पटवारी ऊर्जावान अध्यक्ष है और जुझारू अध्यक्ष। देखिए सीधी बात, जो आपने संगठन बना हुआ देखा हुआ, आपने सभी युवाओं को उन्होंने महत्व दिया, प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। जीतू पटवारी ऐसे ऊर्जाशील नेता है जो हर काम को चुनौती से लेते हैं। उन्हें पता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हर तरह की गड़बड़ी करने को हमारा रहती है, सरकारी तंत्र का खुलकर दुरुपयोग होगा, पैसा पानी की तरफ आ जाएगा, सभी तरह का दबाव प्रभाव बना जाएगा। जीतू पटवारी ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया कि महापर पर चुनाव के समय वहीं पर रहेंगे वो, होता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, हिम्मत बनी रहे। निश्चित रूप से हमेशा जनता के बीच में ही कांग्रेस के नेता रहे हैं, हमेशा जनता के बीच ही काम कर रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी जी हो चाहे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, हर जगह आप देखिए जनता के बीच में रहकर जनता का काम करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर नेता हो गए, ये बड़े नेता हो गए, जो चुनाव जीत के सरकार इनकी बन गई है तो हेलीकॉप्टर कानों से नीचे नहीं उतरते, लेकिन कांग्रेस के जो नेता जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 2023 के आम चुनाव में भी हमने देखा, यही जीतू पटवारी जी थे, यही इनके कमलनाथ जी नेता थे, इन लोगों ने यही बोला था कांग्रेसियों ने कि हम इस चुनाव के अंदर मतपेटी है, मतलब ईवीएम मशीन जहां पर स्ट्रांग रूम में रखी हुई है वहां पर हम हमारे कार्यकर्ता पहरा देंगे, वहां जाके सोएंगे। अब कह रहे हैं कि विजयपुर में खूंटा गाड़ेंगे। अरे भाई, आप को जनता के ऊपर, जनता ने तो आप पे अविश्वास कर ही दिया है, पर अब आप सरकारी सिस्टम के ऊपर और चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर भी अविश्वास करने का काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होती है, मान्य संस्थाएं परंपराएं अपनी जगह है। हाँ, जनता के बीच में रहिए, 3 दिन ही रहेंगे ये जनता के बीच में, इनकी बात से ही समझ में आ रहा है। अगर जनता के बीच में रहने से भावार्थ निकाले इसका कि 3 दिन में कूटा गाड़ के विजयपुर में रहूंगा, अगर इसको हम ये स्पिनिंग में लेते हैं कि वो जनता के बीच में रहना चाहते हैं, तो भैया 3 दिन ही क्यों रह रहे हो, सालों साल रहना चाहिए। अगर आप जनता के बीच में रहेंगे तो आपको जिताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमारे मतदान केंद्र इकाई के पेज प्रमुख और तमाम वो समितियां जो बिल्कुल सबसे छोटी इकाई की है वो भी जनता के बीच में है, वो भी जो इकाइयों के साथ में समन्वय बनाए हुए है, चर्चा कर रही है, जनता के बीच में पार्टी की सरकार की योजनाएं लेकर जा रही है। और जब हम जनता के बीच में हैं तो इसीलिए जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। अब कांग्रेस के लोग कितने दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, तो भैया 3 दिन की पढ़ाई में जो परीक्षा देता है वो पास नहीं होता है। परीक्षा देने के लिए साल भर पढ़ना पड़ता है, साल भर तैयारी करना पड़ती है। जब मेरिट में आते हैं तो हम मेरिट में आने वाले हैं,